एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है उन बंदों के लीडर का सीन, जहाँ पे वो बंदे का लीडर है वो बोलता है कि तुम मार्शल जूनियर पे ही हो, तुम हमें नहीं हरा सकते, तुम में इतनी ज़्यादा पावर भी नहीं है। जो वो बोलता है कि क्या तुम्हें अभी भी यकीन है। जो गो है वो बोलता है कि ये लोग मुझसे बिल्कुल भी नहीं डरे, मैंने पूरी रात बैठ किया वो कल्टीवेशन किए, बट मुझे अपना पूरी पावर टेस्ट करने का है वो वक्त ही नहीं मिला, तो मैं सबसे एक साथ कैसे वो लड़ सकता हूँ, ये बहुत ज़्यादा है। फिर हमें दिखाया जाता है यून फैन को है, वो अचानक से ऊपर से कूदता है और बोलता है कि मेरे दोस्त को किसने टच करने की हिम्मत की, उसने मेरी बहुत ज़्यादा मेहनत की है और तुम उसे मार नहीं सकते। युगो है वो बोलता है यून फैन तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम क्या इन्हें मारने के लिए आए हो, ये तो गलत है। युगो की बात खत्म होने से पहले ही जो हमारा यून फैन है वो सारे बंदों को है वो खत्म कर देता है और उन्हें हरा देता है। यून फैन है वो उनके लीडर के गर्दन पे अपनी तलवार रखते हुए बोलता है कि जल्दी से मुझे बताओ इन्हें मारने का हुक्म तुम्हें किसने दिया, जल्दी से बता दो वरना तुम्हारी जान तो चली जाए। वो बंदा है वो डरते डरते बोलता है कि मुझे ये ऑर्डर ली यूटैंग ने, उन्होंने दिया, मतलब युगो है वो बोलता है यूटैंग उसने ऐसा क्यों किया होगा, वो आखिर मुझे क्यों मरवाना चाहता। उन गुंडों का बॉस है वो बोलता है कि वो बंदा है वो हर बार ऐसा ही करता है, जब भी हम कुछ भी चोरी करते हैं या फिर उन्हें लूटते हैं किसानों को, वो हमसे अपना आधा हिस्सा लेके हमें छोड़ देता है। वो बंदा है वो बोलता है कि पिछली रात उन्होंने मुझे आपको मारने के लिए कहा, मैं चाहता हूँ कि प्लीज आप मुझे बख्श दें, हम लोगों को यहाँ से जाने दें वरना हम मर जाएंगे। फैन है वो उसकी गर्दन है वो उसके धड़ से अलग कर देता है और बोलता है क्या मैं तुम्हें छोड़ दूँ इसलिए कि तुम यूटैंग हो, उसको जाके ये सब बातें वो बता सको कि यहाँ पे क्या क्या हुआ। अब नहीं यार मैं यूटैंग को भी मार ही दूंगा तुम्हारे बाद, चलो पहले तुम्हें ही खत्म कर देता हूँ, और उसे मार देता है। युगो है वो यूफैन से बोलता है अगर तुम उसे ऐसे ही बिना वैलिड रीजन या फिर बिना किसी एविडेंस के भी मार देते हो तो मैं अपने आप की इज्जत है वो नहीं बचा पाऊंगा। तो जो यूफैन है वो बोलता है कि अब हमें क्या करना चाहिए। युगो है वो बोलता है कि ऐसा करते हैं हम लोग अपने वो थोड़ा पैसा कमा लेते हैं और मेंशन लॉर्ड को है वो दे देंगे, मतलब जो नाला है उसे दे देंगे, जिससे इस सिटी में किसी को भी कोई भी जुर्म करने की नौबत ना पड़े, सब उसके सब अमीर हो जाएं। यूफैन है वो बोलता है कि मैं चोरी इसलिए करता हूँ कि मैं गरीब लोगों की मदद कर सकूं, बट फिर भी ये क्राइम है, बट मैं नहीं चाहता कि मैं ये सब करूं। आप है वो बहुत ज्यादा लंबा सोच के रखे हैं, आप लोग अच्छा है कि लोगों के साथ कुछ अच्छा ही करेंगे। युफैंग है वो बोलता है कि आज से मैं अपनी सारी जिंदगी आपके नाम करता हूँ सर। युगो है वो बोलता है ये बहुत ज्यादा अच्छी बात है, बट तुम्हें बार बार मेरे सामने झुकने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम मेरे लिए कोई भी ऐसे वैसे बंदे बिल्कुल नहीं। युगो है वो बोलता है कि युफैंग की ताकत है वो बहुत ज्यादा है और वो मेरी मदद कर सकता है मेन प्रोटैगनिस्ट को हराने में, और फिर हम अपने देश को वो आराम से बचा सकते हैं और ये मेरी पावर बढ़ाने में भी मेरी बहुत ज्यादा मदद करेगा। फिर युगो वो अपने एनिमम सिस्टम से अपनी देखता है कि उसके पास विलन प्लॉट आर्मर के 3% आ गया होता है और 97% है वो हमारे प्रोटैगनिस्ट के पास होता है अभी भी, और वो बोलता है ये अभी भी काफी ज्यादा कम है। वो बोलता है कि लगता है मुझे थोड़ी बहुत स्किल मिली होंगी, तो एक बोर्ड पे लिखा होता है कि आप नए नए बंदों से वो मिलने वाले हैं, आपको कोई भी नुकसान नहीं होगा, वो बोलता है इसलिए मुझे ये कॉमिक पसंद। बोलता है कि इस ऐसे नॉवल में अगर अब बंदा अपने हाथ में कचरा भी ले तो वो सोना बन जाता है, और वो बोलता है कि अब मैं क्यूआन को हराने के एक कदम आगे पहुंच चुका हूं और मैं उसे अपने रास्ते से हटा के ही रहूंगा। युगो है ये फैन से बोलता है कि चलो अब हम चलते हैं मार्केट में थोड़ा पैसा कमाने के लिए। फिर हमें दिखाया जाता है नालान सिटी का मार्केट, जहाँ पे वो लोग हैं बैठ मतलब जा चुके होते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है युगो और युफैंग है वो दशैंग के पास पहुंच जाते हैं, वो और दशैंग है वो बोलता है कि आप लोग हैं वो फिर से बहुत ज्यादा सामान है वो लेने के लिए आए, मतलब बहुत ज्यादा सामान ले ही चुके। बोलता है कि आज मैं तुम्हारे लिए कुछ और भी चीजें लाया हूं, वो बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए शुगर और सॉल्ट वो दोनों लेके आया हूं। युगो है वो बोलता है ये सब मैंने एलिमम से खरीदा है, इसको कैसे बता दूं यार। दशैंग है वो बोलता है क्या तुम नमक की बात करो, नमक तो यहाँ बेचना बहुत ज्यादा इनलीगल है और मैं ये सब बिल्कुल भी नहीं कर सकता हूँ। दशैंग है वो बोलता है इसकी सजा है वो सिर्फ मौत साबित की गई है। युगो है वो बोलता है कि इस तरह के पुराने जमाने में नमक मिलना बहुत ज्यादा कठिन होता था, इसलिए बहुत ज्यादा बंदे हैं वो इसे स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन से वो लेते थे, वरना इसे बेचना है वो बहुत ज्यादा इनलीगल माना जाता है। युगो उसे थैंक यू करते हुए बोलता है कि यार थैंक यू तो सो मच तुम्हारा कि तुमने मुझे ये बता दिया, वरना मैं तुम्हें बहुत ज्यादा बड़ी मुश्किल में वो डाल देता, अभी मुझे माफ कर देना ये सब करने के लिए। पीछे से एक बंदा होता है जिसने मास्क पहना होता है, वो बोलता है कि इनलीगल सॉल्ट मतलब इनलीगल नमक बेच रहे हो, मैंने तुम्हें यार पकड़ लिया, अब मैं कुछ है वो बहुत बड़ा करने वाला हूँ तुम्हारे साथ। युगो है वो बोलता है कि अच्छा तुम नमक नहीं बेच सकते, तुम ऐसा करो तुम दारू है वो बेचने लगो, मतलब एल्कोहल है वो तुम बेच सकते हो, बोतल है वो ग्लास की बनी हुई होती है। तो जो दैंगशैंग है वो बोलता है क्या ये सब जो बोतल है वो ग्लास की बनी हुई है। युगो है वो बोलता है कि मैंने गलती से ग्लास की बोतल है वो बना दी, बिकॉज इस टाइम में वो ग्लास है वो बहुत ज्यादा मिलना मुश्किल है, इसलिए मैंने ये गलत कर दिया है। दैंगशैंग है वो बोलता है कि भाई प्लीज यार मुझे अपने सारे वो ग्लास है वो बेच दे तू, वो उसके पैरों पे वो पड़ जाता है। फिर वो बोलता है कि अच्छा ठीक है मैं तुम्हें ये बेचने के लिए तैयार हूँ, बट मुझसे प्रॉमिस करो तुम इस कांच के ग्लास के बारे में वो किसी को भी नहीं बताओगे, तो इसलिए मैं तुम्हें ये सब है वो बेच सकता हूँ। युगो है वो बोलता है चलो अपना फाइनल प्राइस बोलो, फिर वो बोलता है अच्छा ठीक है मैं ये किसी को भी नहीं बताने वाला हूँ और मैं आपको आपका फाइनल प्राइस है वो कैलकुलेट है वो करके बता देता हूँ।
फिर वो अपनी मशीन पे वो कुछ करने लगता है और फिर वो बोलता है कि चलो आपका प्राइज़ है, वो बोलता है कि आपका प्राइज़ है वो मैं डिसाइड कर चुका हूँ, और आपका प्राइज़ होता है एकदम सॉल्ट, मेरा मतलब वो उसे ऑफर करता है 80,000 टेल्स, मतलब 80,000 टेल्स उसे ऑफर कर। युगो बाहर से कोई रिएक्शन नहीं दे रहा होता, बट अंदर से बोलता है कि मैंने असली दुनिया में इतने पैसे नहीं कमाए जितना ये मुझे एक ही बार में ऑफर कर रहा है, तो मुझे ये ऑफर एक्सेप्ट कर ही लेना चाहिए बिकॉज ये बहुत ज़्यादा बड़ा अमाउंट है वो मेरे लिए। डेंग शेंग है वो बोलता है कि आपके जो ग्लास है और आपके ग्लास के अंदर जो एल्कोहल है उसकी प्राइस है वो मिला के मैं आपको 100,000 है वो टेल से वो देता हूँ, और एक ये ब्रेसलेट भी। यू गो है वो अपने ब्रेसलेट को हाथ में लेते और बोलता है ये ब्रेसलेट है वो मुझे थोड़ा पसंद आया इसलिए मैं इसमें थोड़ा इंटरेस्टेड। डेंग शेंग है वो बोलता है अगर आप अपने माइंड का इस्तेमाल करें तो आपको पता होगा कि आप अपनी इतनी सारी मनी को वो ऐसे नहीं देख सकते, आप अंदर जाके उसे देख सकते हैं। ब्रेसलेट के अंदर वो अपने सारे पैसे वो स्टोर कर सकता है, इसमें 3,000 स्क्वायर फीट का एक घर और बहुत सारी ज़मीनें वो आ सकती हैं आप चाहें। बोलता है जेंग जुआन है वो ये बंदे मतलब इन चीज़ों को बनाता है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा मैजिकल पावर होती है, और ये मतलब नॉर्मली बंदे ऐसे खरीदते नहीं बिकॉज ये बहुत ज़्यादा हाई रेंज और बहुत ज़्यादा हाई मनी में खरीदी जाती है। बोलता है ये नाम तो मैंने कहीं सुना है वो, फिर बोलता है ये तो हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट है नॉवल का, उसके गाँव से मतलब उसके शहर से ही बिलोंग करता है, और उसके नाम सुन के वो थोड़ा ज़्यादा है वो घबरा जाता है। वो डेंग शेंग से बोलता है कि अच्छा ये सब तो ठीक है बट वो मुझे थोड़े मैजिकल टूल्स हैं वो भी खरीदने अपने लिए, क्या तो मुझे बता सकते हो मुझे कहाँ मिलेंगे। जाएंगे उसके कंधे पर हाथ रखता और बोलता है कि आप वहाँ पे चलिए, वहाँ पे वो कैपिटल का एक सेंटर है जहाँ पे आपको सिर्फ मतलब मैजिक टूल्स ही नहीं बल्कि आपको सर्वेंट भी दिए जाएंगे, मतलब डीमन सर्वेंट स्पेशल, तो वहाँ पे हमारे डीमन फॉक्स सर्वेंट। डेंग शेंग है वो बोलता है कि सबसे ज्यादा यहाँ पे होती है खरीदारी हमारे डीमन फॉक्स की, जहाँ पे वो लड़कियां होती हैं। वो बोलता है ये बहुत ज्यादा सेक्सी देखती हैं इसलिए लोग ऐसे अपनी एज अ मेड है वो खरीदते हैं, और फिर रात में क्या होता है वो तो तुम्हें पता ही होगा। डेंग शेंग युगो है उसे बोलता है कि तुम चाहो इसे खरीद सकते हो और फिर रात में जो तुम चाहो वो कर सकते हो, तुम्हें पसंद तो है ना। युगो है वो बोलता है कि नॉवल के हिसाब से तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है बिकॉज ये मतलब इनह्यूमन बंदों को है वो बेच रहा है मार्केट में ऐसे ही। युगो है वो बोलता है कि प्राचीन काल में मतलब पहले ये सब ये चलता था, लोग है वो अपने आप के लिए एक नौकर है वो रख लेते, अपने आप के लिए कोई मनपसंद स्लेव रख लेते थे। तभी उसे एक बोर्ड दिखता है जहाँ पे जोस क्रिमिनिकल फर्म्स है वो लिखा होता है। ये जगह तो वही है जहाँ पे जो हमारा प्रोटैगनिस्ट है यहाँ पे किसी अपने मेन इन्फॉर्मर से वो मिलता है और अपने बेस्ट फ्रेंड से यहाँ पे मिलने के लिए आता है, ये तो बहुत ज्यादा खतरनाक जगह हो गई है। युगो है वो बोलता है कि अच्छा जो भी हो वो ठीक है, चलो अब मैं जाता हूँ एक स्लेव को अपने लिए पसंद कर लेता हूँ, अगर मुझे कोई भी पसंद आता है तो मैं उसे अपने लिए खरीद लूंगा। डेंग शेंग है वो बोलता है मैं युफान को अपने साथ ले जाता हूँ, और बोलता है कि तुम जाके अकेले इंजॉय करो मिस्टर ली और मैं इसके साथ वो चला जाता हूँ। बोलता है कि चलो ठीक है। युगो है वो एक जगह के पास पहुंच जाता है और बोलता है कि लगता है यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है, और तभी उसका ध्यान जाता है और बोलता है कि नहीं मेरे ख्याल से ये तो वही जगह है, और वो बोलता है कि नहीं ये नहीं हो सकता। एक बंदा आ जाता है और बोलता है कि मिस्टर ली आपको क्या मेरी कोई मदद की जरूरत है, अगर आपको मदद की जरूरत हो तो मैं आपकी मदद है वो कर सकता हूँ, आप मुझे बता दीजिए। बंदे का नाम है वो जो एट होता है और वो उस जगह का मैनेजर होता है, और वो बोलता है कि आपको कुछ चाहिए, तो वो बोलता है कि ये तो बहुत ज्यादा चमचा है, और वो बोलता है ये स्पेशली मेरे साथ ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है। वो बोलता है इसके साथ तो मैं बाद में निपट लूंगा, चलो मैं अपना काम है वो पहले कर लेता। गो है वो पिंजरे के अंदर हाथ डालते हुए वो बोलता है कि आप मुझे बता सकते हैं ये कौन है, तो वो बोलता है ये बहुत ज्यादा वाइल्डनेस वाली बंदी है, ये बहुत ज्यादा बिगड़ी हुई है और ये शायद मरने भी वाली है, इसलिए मैं वो बेचना नहीं चाहता, मतलब बेचना तो चाहता हूँ बट इसे कोई खरीदना नहीं चाहता कम प्राइस में भी। गो है वो बोलता है अगर कोई पर्सन है वो यहाँ पे मर जाता है तुम्हारे सामने तुम्हारे यहाँ रहते हुए भी तो तुम्हारे बिजनेस है उस पर बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा, क्या मैं सही बोल रहा हूँ या फिर गलत। वो बोलता है कि हाँ आप बिल्कुल भी सही बोल रहे हो, और अगर ऐसा हुआ तो मेरे बिजनेस वो बंद भी हो सकता है। युगो है वो उससे बोलता है कि मुझे अपनी कल्टीवेशन के लिए थोड़ी मदद करने के लिए कोई चाहिए था इसलिए मैं इसे यहाँ से ले जा रहा हूँ जिससे आपकी प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व हो जाएगी। तो वो बंदा होता है वो बोलता है कि अच्छा ठीक है आपने मेरी बहुत ज्यादा बड़ी मदद कर दी है। युगो है वो बोलता है कि अभी किसी को नहीं पता कि ये लड़की फ्यूचर में जाके क्या होने वाली है इसलिए इसे कोई भी नहीं समझ रहा है, फिर वो बोलता है कि अब हम दोनों वो एक दूसरे की मदद करने वाले हैं इसलिए अब तुम बहुत ज्यादा होशियार होने वाली हो। लड़की वो धीरे धीरे अपनी आंखें खोलने लगती है, फिर हमें दिखाया जाता है अगले सीन में एक जगह का सीन जहाँ पे जो हमारे युगो है वो बोलता है एक दवाई देते हुए उसे बोलता है कि जल्दी से ये दवाई खा लो जिससे तुम्हें वो थोड़ा अच्छा फील करोगी। लड़की को समझ में नहीं आता और बोलता है कि आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए ये चीज मतलब ये दवाई वो चेक करूं, अगर आप चाहते हैं तो आप मेरे मास्टर हैं मैं आपके लिए सब चेक है वो कर सकती। वो उस दवाई को है वो लेती और तुरंत ही उसे निगल जाती और बोलती है कि ये बहुत ज़्यादा मतलब कड़वी थी, फिर वो बोलती है एक मिनट मेरी जो घाव है वो अपने आप है वो हील होते जा रहे हैं, मतलब ये दवाई का क्या कमाल है, मतलब ये कुछ अलग ही चल रहा है। युगो है वो उससे बोलता है कि चलो अपने घर, अब हमारे घर जाने का समय आ गया है, हम दोनों एक साथ मिलके हैं। वो अपने अपने घर जाने वाले लड़की है वो बोलती है क्या सच में क्या मेरा भी खुद का एक घर होने वाला है जहाँ पे मैं रहूंगी। तभी अचानक से शोर मस्ता है और वहाँ से एक बंदा भागते हुए आता है और बोलता है ए कुत्ते तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पे आने की, और फिर वो उसे धमकाने लगता है। वो बंदा उसे बोलता है कि उस लड़की को छोड़ दो वरना मैं तुम्हें यहीं पे शहीद करने के लायक बना दूंगा। बाय गुड बाय।